Hi student, welcome to RCI Ajuhab online classes, class 12, biology, chapter blood circulatory system of human, topic blood group, रुधिर समूह। ब्लड जो पढ़ा उसमें मुख्य रूप से अभी तक इसका संगठन जो था और इसके फंक्शंस वो कंप्लीट हुए थे, जिसमें हमने आरबीसी और प्लाज्मा यानी कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके रुधिर समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर समूह जो होता है, इसमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी, इनकी उपस्थिति के आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है। प्रतिजन जो होता है, ये ब्लड में आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिरक्षी जो होते हैं, ये रुधिर के अंदर प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में ये पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। इनको स्मॉल लेटर से भी प्रदर्शित करते हैं, ए और बी। तो यहां से प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो होते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर रुधिर समूह जो होते हैं उनको चार भागों में बांटा गया है, जिन्हें रुधिर वर्ग कहा जाता है। यहां पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, ज्यादा है प्रतिरक्षी और प्रतिजन। प्रतिजन जो होता है, इसको रोग कारक के रूप में माना जाता है। रोग उत्पन्न करने वाला जो फैक्टर होता है, प्रतिजन कहते हैं। और इसके विरुद्ध शरीर में बनी रक्षात्मक इकाई, जो कि इस प्रतिजन को नष्ट करती है या रोग होने से बचाती है, उसे प्रतिरक्षी कहते हैं। अर्थात प्रतिजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। सबसे पहले यहां बात करेंगे चार रुधिर वर्ग, उनमें से रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। इन चारों में से रुधिर वर्ग ए बी और ए बी जो होते हैं तीन, इनकी खोज 1900 में की गई। इनकी खोज 1900 ईस्वी में की गई और वैज्ञानिक जो था वो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक था, जिसने रुधिर वर्गों की खोज की, या रुधिर समूह जो है उसकी खोज की। उनमें से भी स्पीशीज जो है वो रुधिर वर्ग ए बी और ए बी, इनकी खोज की थी 1900 के अंदर। अब रुधिर वर्ग वो है, इसकी खोज इसके अलावा एक अन्य वैज्ञानिक है जिन्होंने की थी, डिकोस्टेलो वे स्टूली। तो वैज्ञानिक है जिन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। अब यहां पर एंटीजन जो होते हैं, ये प्रेरित करते हैं एंटीबॉडी के निर्माण को। एंटीबॉडी इन्हें तो बोलते हैं एंटीजन, ये होता है प्रतिजन या रोग कारक के रूप में इसको माना जाता है। एंटीबॉडी ये प्रतिरक्षी, जो कि हमारे रोगों से रक्षा करती है। एंटीजन का मुख्य जो कार्य है वो क्या हो गया, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना। मानव जो होता है इसके अंदर है, मानव के अंदर एंटीजन के दो प्रमुख समूह पाए जाते हैं,
एंटीजन के दो प्रमुख समूह पाए जाते हैं जिन्हें एबीओ तंत्र व आरएच तंत्र कहा जाता है। दो प्रकार के हो गए, फर्स्ट ऐसे एबीओ तंत्र और सेकंड जो है वो आरएच तंत्र। एबीओ जो तंत्र होता है इसके अंदर चार रुधिर समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इन चारों का अध्ययन किया जाता है एबीओ तंत्र में। आरएच तंत्र जो होता है ये एक अलग फैक्टर है, कारक है जिसमें यह उपस्थित होता है वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें ये एब्सेंट होता है वो आरएच नेगेटिव। इनका अध्ययन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दो तंत्र है, एबीओ तंत्र और आरएच तंत्र। धन्यवाद।